नमस्कार दोस्तों, वैदिक पंचगव्य यूट्यूब चैनल पर मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है होंठों का कालापन किस तरह से दूर किया जाए और किस तरह से नेचुरली पिंक कलर के लिप्स पाए जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे चेहरे की जो पूरी स्किन है उसमें सबसे नाजुक स्किन और सबसे सेंसिटिव स्किन होती है हमारे होठों की। इसलिए जितने भी बुरे प्रभाव हैं जैसे धूल, धूप, पोल्यूशन, इन सब का सबसे ज़्यादा असर हमारे होठों पर होता है और इसी वजह से हमारे होठों का कलर जो होता है वो तेज़ी से बदलने लगता है जब भी हम धूप या फिर पोल्यूशन में जाते हैं। तब हमारे होठों में स्वेट ग्लैंड्स भी नहीं होती है जिसकी वजह से हमें हमारे होठों को हमेशा मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर ऐसे में हम हमारे होठों का सही से ख्याल ना रखें तो हमारे होठ रूखे, सूखे, काले या फिर बेजान से होने लगते हैं। इसके अलावा होठ काले पड़ने के कई और भी रीजंस हो सकते हैं दोस्तों, जैसे सूरज की धूप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होना। सूरज की धूप जो होती है वो हमारे होठों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। बस एक बार में ही सूरज की धूप हमारे होठों का रंग बदलने के लिए काफ़ी होती है। इसके अलावा अगर आप धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग, तंबाकू, गुटखा इत्यादि का सेवन करते हैं तब भी चांसेस होते हैं कि आपके होठ काले पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्म चाय या फिर कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो ये भी रीज़न हो सकता है आपके होंठ काले पड़ने का। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि कॉस्मेटिक्स की वजह से भी होंठों का कलर जो होता है वो काला पड़ने लगता है। कई बार कॉस्मेटिक्स जो होते हैं हम अच्छे क्वालिटी के समझ कर भी अगर लाते हैं फिर भी अगर वो अच्छे क्वालिटी के ना हो, उनमें पैराबिन्स हो या फिर बहुत सारे केमिकल्स मिलाए होते हैं जिनकी वजह से हमारे होंठों का नेचुरल कलर जो होता है वो धीरे धीरे फेड होने लगता है और हमारे होंठ काले पड़ने लगते हैं। तो कॉस्मेटिक जैसे लिप लाइनर, लिपस्टिक या फिर लिप ग्लॉस, इनकी वजह से ही बस होंठ काले पड़ने के चांसेस नहीं होते हैं दोस्तों। कई बार हम हमारे नाखूनों पे जो कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, जो नेल पेंट्स लगाते हैं, उनमें जो कॉस्मेटिक्स होते हैं वो भी रीज़न हो सकता है आपके होंठ काले पड़ने का। और अगर ये सब भी रीजंस ना हो तो कई बार हो सकता है कि आनुवंशिक रीजन से भी आपके होंठ काले हो सकते हैं। अगर माँ बाप के होंठ काले होते हैं तो बच्चों के भी होंठ काले होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया आपके होंठ काले किस वजह से पड़ सकते हैं इसके बारे में। तो अगर आपको भी इनमें से कोई आदत है जैसे चाय, कॉफ़ी या फिर धूम्रपान, तंबाकू, गुटखा, तो मैं तो कहूँगी अगर आप अपने काले होठों से परेशान हैं तो जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें, ये सारी बुरी आदतें छोड़ दें। और वैसे भी वो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो बेटर है कि आप ये सारी चीज़ें छोड़ दें तो आपका होंठों का जो नेचुरल कलर है वो भी आपको रिटर्न हो सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कुछ आसान घरेलू नुस्खे जिनकी मदद से आप अपने डार्क लिप्स से छुटकारा जल्द से जल्द पा सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी होठों का केयर करने की बात आती है तो सबसे पहला आता है एक्सफोलिएशन और सेकंड है मॉइस्चराइजेशन। हम पहले वाले की बात करते हैं। सबसे पहले एक्सफोलिएशन। दोस्तों, होठों को एक्सफोलिएट करने के आप अगर यूट्यूब पर देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोज़ दिए हैं। कई सारे YouTube वीडियोस में तो मैंने देखा है कि उन्होंने कहा है कि सॉफ्ट ब्रिसर वाला कोई टूथब्रश ले ले, उस पर टूथपेस्ट अप्लाई करे और उससे अपने होठों को घिसे। पर दोस्तों, ये आइडिया बिल्कुल बकवास है। आप खुद घर पे इसका ट्राई कर सकते हैं और आप पाएंगे कि आपके होठ पूरे लाल लाल हो जाएंगे, इतना हर्ट हो जाएगा। वो स्किन इतनी नाजुक होती है कि वो ब्रिसल का जो हार्शनेस होती है वो सह ही नहीं पाती है। आपकी होठों की स्किन जो होती है वो उस ब्रिसल की वजह से डैमेज हो जाती है, हार्म हो जाती है, आपको जलन होने लग जाएगी अगर आप वो तरीका अपनाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक आसान सा घरेलू तरीका बताती हूँ जिसकी मदद से आप इजीली अपने होंठों को एक्सफोलिएट कर सकते हैं। दोस्तों, आपने क्या करना है, एक कटोरी में एक चम्मच शहद लेना है, उसमें एक चम्मच पिसी हुई चीनी डालना है और उसको अच्छे से मिक्स करके धीरे धीरे अपने होंठों पर मसाज करना है। धीरे धीरे होंठों पर चारों तरफ से एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इस तरह से ये मोशन में हमें मसाज करनी है। इससे क्या होता है दोस्तों, पिसी हुई चीनी का जो खुरदुरापन होता है उसकी वजह से हमारी डेड स्किन, होठों की जो डेड स्किन होती है वो अच्छे से निकल जाती है। और शहद जो होता है, शहद हमारे स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, तो होठों का जो कालापन होता है वो भी नेचुरली दूर हो जाता है। और अगर आप बहुत लेजी है मेरी तरह कि आपको 100 चीज़ें इकट्ठा नहीं करनी है, फिर रेमेडी बनानी नहीं है और फिर उसको इस्तेमाल कौन करेगा, फिर बाद में धोएगा कौन, ऐसे में अगर आप हैं तो मैं आपको एक इससे भी आसान घरेलू तरीका बताती हूँ। क्या करना है, आप जब भी नहा के आते हैं, नहाने के बाद हमारी स्किन काफ़ी नर्म होती है तो कोई भी सॉफ्ट टॉवल ले ले और उस टॉवल से धीरे धीरे अपने होंठों को मसाज करें, हल्के हल्के हाथों से अपने होंठों को रब करें। इससे आपके होंठों की जो डेड स्किन है वो ईजिली निकल जाएगी। सेकेंड है मॉइस्चराइजेशन। दोस्तों, होठों के मॉइस्चराइजेशन की जब बात आती है तो होठों के लिए सबसे अच्छा मॉइस्चराइज़र है देसी गाय का शुद्ध घी। जी हाँ दोस्तों, आपने बस इतना करना है कि हर रोज़ रात को सोने से पहले देसी गाय का जो घी होता है वो अपने होठों पर हल्के हाथों से लगा ले और सो जाए।
2 से 3 दिन में ही आप पाएंगे कि आपके होठों का जो नेचुरल कलर है वो धीरे धीरे रिटर्न होने लगता है। आपके होठ जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट होने लगते हैं। जो फटी दरारें होती है होठों में, जो फटे हुए होते हैं, जो खुरदुरापन होता है वो भी बहुत आसानी से निकल जाता है। होठों के लिए जो नेक्स्ट अच्छा मॉइस्चराइजर है वो है हनी। हनी में बहुत अच्छी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो नेचुरली आपके होठों का डार्कनेस जो होती है वो कम करती है। तो आपने क्या करना है, हर रोज़ रात को सोते समय 1 से 2 बूंद हनी अपने होठों पे लगाना है और सो जाना है। आप पाएंगे कि 2 से 3 दिन में ही आपके होठों का जो कालापन है, जो डार्कनेस है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और धीरे धीरे आपके होठों को नेचुरली पिंक कलर आने लगेगा। दोस्तों इसके अलावा आज मैं आपको बताने वाली हूँ होममेड लिप बाम किस तरह से बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लिप बाम को बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी 2 से 3 टेबलस्पून बीटरूट जूस और 2 से 3 टेबलस्पून होममेड बटर। इस लिप बाम को बनाने के लिए हम डबल बॉयलर का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले किसी बर्तन में पानी गर्म करके उसके ऊपर कांच का या फिर स्टील का बर्तन रख दें। उसके बाद इसमें होममेड बटर और बीटरूट जूस को डाल दें। इसके बाद उसे 2 से 3 मिनट तक गर्म होने दें और लगातार हिलाते रहें और मिक्स करते रहें। अच्छे से मिक्स होने के बाद इसे किसी कांच या फिर प्लास्टिक की डिब्बे में भर लें और फिर इसे फ्रिज में जमने के लिए रख दें। क्योंकि हमने इसमें किसी भी प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं किया है तो इसे फ्रिज में रखना ज़रूरी है। इसका इस्तेमाल करने के लिए रोज़ रात को इसकी एक मोटी परत अपने होंठों पर लगाकर रात को सो जाए। ये इतना असरदार होता है कि 2 से 3 दिन में ही आपको अपने होंठ पहले से ज़्यादा नरम और गुलाबी लगेंगे। लगातार इसके इस्तेमाल से आपको अपने होंठों के प्रॉब्लम्स जैसे होंठ फटना, रूखे होना या फिर काले होना, इन जैसे समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।